अब हम देखेंगे डीसी एनालिसिस ऑफ द ड्यूअल इनपुट बैलेंस आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर तो डीसी एनालिसिस में हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना है वी मतलब यहाँ पे कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज अक्रॉस द ट्रांजिस्टर कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज अक्रॉस द ट्रांजिस्टर और कलेक्टर करंट आई सी दो वैल्यू हमें डीसी एनालिसिस के लिए फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए जो इनपुट बैलेंस आउटपुट का जो सर्किट है उसको हम इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट करेंगे तो ये रहा हमारे पास डीसी इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द डिफ़रेंशियल एम्पलीफायर तो यहाँ पे जो दोनों ट्रांजिस्टर क्यू और क्यू के बेस टर्मिनल में जो इनपुट लगाया था उसको हमने यहाँ पे शॉर्ट कर दिया और जो रजिस्टर है वो कॉमन ले लिया है वो है और उसके अक्रॉस में जो करंट फ्लो हो रहा है वो है आईई वन और आई ई टू तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इनकी वैल्यू फाइंड आउट करने वाले हैं तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले हमें केवीएल अप्लाई करना पड़ेगा तो केवीएल हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ यहाँ पे अप्लाई करेंगे बेस टू इमीटर लूप ऑफ द ट्रांजिस्टर q1 बेस टू इमीटर लूप ऑफ द ट्रांजिस्टर q1 यहाँ पे हम केवीएल अप्लाई कर रहे हैं अक्रॉस द q1 के तो केवीएल क्या होगा हमारा r इनपुट इनटू द बेस करंट प्लस बेस टू इमीटर वोल्टेज प्लस

और IE की वैल्यू हम आई सी अगर सपोज करते हैं IB की की बेस करंट वैल्यू हम डिवाइड बीटा सपोज करते हैं और IE इमिटर करंट की वैल्यू हम कलेक्टर करंट सपोज करते हैं और ये वैल्यू अगर इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो इक्वेशन हमें इस तरह से मिलेगी आर इनपुट इनटू आईबी आईबी की वैल्यू हमने पुट कर दी आईसी डिवाइड बाय बीटा डीसी प्लस वीबीई प्लस आईई को हम आईसी पुट कर रहे हैं तो टwice ऑफ आईसी इनटू आरई इज इक्वल टू द वीईई अब इस इक्वेशन से हमें फाइंड आउट करना है सिर्फ आईसी की इक्वेशन तो आईसी है हमारे पास कलेक्टर करंट हमारा मेन एम है कि वी क्यू और आईसी क्यू हमें फाइंड आउट करना है तो इस इक्वेशन से हम फाइंड आउट करेंगे कलेक्टर करंट आईसी क्यू तो आईसी क्यू को ही हमने IE सपोज किया है यहाँ पे और IE को ICQ क्यू सपोज किया तो इस इक्वेशन से अगर फाइंड आउट करते हैं तो हमें इक्वेशन मिल जाती है वोल्टेज वीईई माइनस दिस वीबीई डिवाइड बाय वैसो दिस आरी प्लस आर इनपुट डिवाइड बाय बीटा डीसी आर इनपुट डिवाइड बाय बीटा डीसी अब हमें यह पता है कि जो बेस टू वे इमीटर वोल्टेज है फॉर द सिलिकॉन के लिए उसकी वैल्यू रहती है यहाँ पे पॉइंट सेवन वोल्ट सेवन वोल्ट फॉर द सिलिकॉन के लिए फॉर सिलिकॉन के लिए और फॉर जर्मेनियम के लिए रहती है उसकी वैल्यू पॉइंट थ्री वोल्ट फॉर द जर्मेनियम के लिए अब इस इक्वेशन से हम यहाँ पे ये अज्यूम करेंगे कि जो इनपुट वोल्टेज है आर इनपुट रेजिस्टेंस आर इन डिवाइड बाय दिस बीटा डीसी बीटा मतलब गेन है यहाँ पे डीसी सप्लाई वोल्टेज का वो बहुत लेस है वेरी वेरी लेस देयर है बहुत लेस है बहुत कम है कि आ, आ, रेजिस्टर ऑफ जो इमीटर इमीटर रेजिस्टेंस से वो

क्योंकि बीटा डीसी जो है वो बहुत हाई है उसकी वैल्यू जो है वो बहुत हाई होने के कारण ये जो रेशियो है वो लेस हो गया है तो अगर ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं ये इक्वेशन नंबर में वन में तो इस इक्वेशन को हमें अगेन मिलती है इक्वेशन वापिस रीअरेंज करके आई ई इज इक्वल टू आई सी इज इक्वल टू ई Voltage, और for germanium के लेंगे, इसकी वैल्यू बहुत कम है इसलिए इसको हम जीरो सपोज करेंगे तो डिवाइड बाय हमारे पास हो गया ट्वाइस ऑफ आर ई तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि जो इमिटर करंट है ऑफ द ट्रांजिस्टर क्यू वन और क्यू टू आर द इनडिपेंडेंट ऑफ द कलेक्टर रजिस्टर आर सी ये आई जो है इमिटरकरण जो है ट्रांजिस्टर क्यू वन और क्यू टू का वो इंडिपेंडेंट है यहाँ पे उसके जो फॉर्मूले में है कोई भी कलेक्टर रेजिस्टेंस हमने यूज नहीं किया है ना हमारे पास कलेक्टर रेजिस्टेंस की वैल्यू आई है यहाँ पे इसलिए वो आई जो इमिटर करंट है और कलेक्टर करंट है वो इंडिपेंडेंट रहेगा रेजिस्टेंस आर सी के ऊपर आर सी है यहाँ पे कलेक्टर रेजिस्टेंस अब देखेंगे कि इमिटर वोल्टेज जो है ऑफ द क्यू वन ये approximately v, minus v, जितना रहता है, अगर वहाँ पे voltage रहा across the input resistance और वो रहेगा इसलिए टर्मिनल के अक्रॉस में जो वोल्टेज ड्रॉप मिल रहा है कलेक्टर टर्मिनल के अक्रॉस में जो वोल्टेज ड्रॉप मिल रहा है यहाँ पे कलेक्टर टर्मिनल है सी वन और सी टू ट्रांजिस्टर क्यू वन के अक्रॉस में है सी वन और ट्रांजिस्टर क्यू टू के अक्रॉस में है सी टू तो दोनों को हम यहाँ पे इक्वल सपोज कर रहे हैं तो सी वन इज इक्वल टू सी टू इज इक्वल टू सी तो कलेक्टर वोल्टेज जो है VC, वो हम यहाँ पे देखेंगे कि वी सी इज इक्वल टू हो जाएगा वी सी सी माइनस आई सी इन टू आर सी माइनस आई सी इन टू आर सी आई सी है कलेक्टर करंट और आर सी है कलेक्टर रेजिस्टर अब अगर कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज वी हमारे पास है कलेक्टर टू वोल्टेज की वैल्यू है हमारे पास वी सी कलेक्टर वोल्टेज माइनस इमीटर वोल्टेज और इमीटर वोल्टेज की वैल्यू है हमारे पास वीई जो है इमीटर वोल्टेज जो है वो है माइनस ऑफ बेस टू इमीटर वोल्टेज माइनस ऑफ बेस टू इमीटर वोल्टेज तो ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे और वीसी की वैल्यू भी इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो इस इक्वेशन में कलेक्टर टू वोल्टेज की जो इक्वेशन है इसमें हम कलेक्टर वोल्टेज वीसी की वैल्यू पुट करेंगे और इमिटर वोल्टेज वीई की वैल्यू पुट करेंगे तो इक्वेशन हमें मिल जाएगी अगेन वीसीई इक्वल टू वीसी की वैल्यू है वीसीसी माइनस ऑफ आई सी इंटू आर सी माइनस वैल्यू है माइनस ऑफ भी माइनस ऑफ भी तो इसको अगेन हम रिक अरेन्ज करके इस इक्वेशन को लिखेंगे बी सी इज इक्वल टू बी सी सी माइनस आई सी आर सी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस बी बीई इसको अगेन रीअरेंज करेंगे तो ये वैल्यू मिल जाएगी वी सी टू वी सी सी प्लस माइनस ऑफ कलेक्टर करंट इनटू रजिस्टर करंट तो ये हो गई हमारी कलेक्टर टू इमिटर वोल्टेज वी क्यू तो ये कलेक्टर टू इमिटर वोल्टेज का वैल्यू हो गई हमें दो वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी थी एक वी सी क्यू हो गया और सेकंड था आई सी क्यू ये हो गया हमारी आईसी क्यू की वैल्यू तो यहाँ पे हमने वी सी क्यू और आईसी क्यू की दोनों वैल्यू फाइंड आउट की है डीसी एनालिसिस